नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं ऑटोमेटिक कार की, कि कैसे फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिक कार को चलाया जाए। कई लोग ऑटोमेटिक कार को चलाने में बहुत झिझकते हैं या उन्हें बहुत दिक्कतें आती हैं कि इसमें ना तो गियर होता है ना क्लच होता है, ऑटोमेटिक शिफ्ट होती है, ओनली ब्रेक और एक्सलेटर होता है, तो इसे किस तरह से चलाएं, कहीं ब्रेक दबाने पे गाड़ी रुक तो नहीं जाएगी, कई बार कुछ लोगों से गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है, तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कत आती है। और एक वो लोग होते हैं जो मैनुअल कार तो आराम से चला लेते हैं, मैनुअल कार एक बार सीख जाते हैं, उनकी हैबिट हो जाती है, लेकिन उसके बाद जब वो ऑटोमेटिक कार को चलाते हैं तब बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। सबके साथ आती है, कोई इसमें नई बात नहीं है, पहली बार मेरे साथ भी आई थी। ठीक है, तो हम ऑटोमेटिक कार की अगर बात करें तो ऑटोमेटिक कार और मैनुअल कार में मेन डिफरेंस यही होता है कि ऑटोमेटिक कार में आपके पास क्लच पेडल नहीं होता है, मैनुअल कार में आपके पास क्लच पेडल होता है। हालांकि क्लच दोनों ही कार में होता है, लेकिन वो अंदर की साइड होता है, वो ऑटोमेटिक गाड़ी में ऑटोमेटिकली ईसीयू द्वारा ऑपरेट किया जाता है और मैनुअल गाड़ी में आपको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको आज ऑटोमेटिक गाड़ी के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। फिलहाल जो मेरे पास है, स्विफ्ट का टॉप एंड वेरिएंट है ऑटोमेटिक, और इसकी बात हम डिटेल में करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बात करें मैनुअल गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो आप देख सकते हैं मैनुअल गाड़ी का जो डैशबोर्ड है मेरे सामने वो नॉर्मली होता है जैसे कि मैनुअल गाड़ी का होता है। जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है पेडल्स पर, कि जैसा कि आप देख सकते हैं नॉर्मली यहाँ पर ये जो ब्रेक पेडल है और एक एक्सेलेटर पेडल है, यहाँ पर क्लच अवेलेबल नहीं है। और दूसरी चीज, आपको जो गियर नॉब है इसका, इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन, दो तीन मोड दिख जाते हैं। फॉर एग्जांपल, फिलहाल गाड़ी न्यूट्रल पे है, अगर इसे डायरेक्ट पीछे करेंगे तो ये गाड़ी ड्राइव मोड पे चली गई है, और ये मैनुअल मोड पे पीछे की साइड अप फिर डाउन, ये मैनुअल मोड होता है, और आपको हल्का सा शिफ्ट करके साइड राइट मोड में लाना है। कई गाड़ियों में स्पोर्ट्स मोड भी होता है, और जो नॉर्म फोर व्हील मोड और ये सारे चेंज करने का ऑप्शन भी इसी पे होता है। फिलहाल मेरे पास फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो गाड़ी चलाना कैसे, हम उसकी बात करने वाले थे। तो ये तो नॉर्मल जो पार्ट्स हो गए। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस गाड़ी को स्टार्ट कैसे करें, इसका स्टार्ट करने का प्रोसेसर क्या होता है, ऑटोमेटिक कार्स को स्टार्ट किस तरह से किया जाए। तो जो आपका गियर नॉब है, सबसे पहले आप श्योर करें ये न्यूट्रल की पोजीशन पे हो, ड्राइव मोड पे ना हो, ना ही रिवर्स मोड पे हो। ठीक है, जब ये न्यूट्रल की पोजीशन में होगा तब आपका पैर जो है ब्रेक पर हो, ब्रेक पैड पर, मतलब जब आप ब्रेक प्रेस करेंगे तभी आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, अदरवाइज आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ओके, तो मैं अभी जैसे मेरा पैर आप देख सकते हैं ब्रेक पेडल पे नहीं है, और मैं इग्निशन दे रहा हूँ, ये तो गाड़ी वार्निंग दे रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, ये आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे ही मेरा पेडल, मेरा पैर ब्रेक पेडल पे है और मैं इग्निशन दे रहा हूँ, और गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, आप आरपीएम मीटर में देख सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। तो अभी हमने सीट बेल्ट लगा लिया है, और उसके बाद सबसे पहला जो काम करना है आपको, जो हैंड ब्रेक है इसे डिसइंगेज करना है। हैंड ब्रेक को डिसइंगेज करने के बाद आपको जो गियर नॉब है उसे ड्राइव मोड पे डालना है, बस इतना सा ही आपको काम करना है। आपको एक चीज बिल्कुल भूल जानी है कि जिस तरीके से आप आपके लेफ्ट वाले पैर का इस्तेमाल मैनुअल गाड़ी में करते हैं, उसमें इस पैर का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको बिल्कुल भूल जाना है कि आपके पास लेफ्ट पैर भी है, और इसका सबसे आसान तरीका ये रहेगा कि आप इसे ऊपर ही कर लें। ओके, तो जैसे ही मैं ब्रेक पेडल पे से पैर हटाऊंगा, भले ही फिर मैं एस्केलेटर पेडल पर पेडल ना भी रखूं, पैर ना भी रखूं, तब भी आपकी गाड़ी मूव होती है। देखिए, जैसे ये मैंने पैर हटाया और मेरी गाड़ी मूव होने लग गई, आप चेक कर सकते हैं। बस नॉर्मल है, आसान है, सरल है, मैनुअल गाड़ी से भी आसान है ऑटोमेटिक कार्स को चलाना, इसमें कोई बड़े रॉकेट साइंस की बात नहीं है। और जैसे जैसे आप एस्केलेटर पेडल पर पैर रखेंगे,
गाड़ी ऑटोमेटिकली गियर शिफ्ट करती है, गियर चेंज करती है, इसमें कोई समस्या नहीं आती है। ओके सो अभी मैंने ये गाड़ी रोक दी, ये देखिए ओनली ब्रेक दबाया, मैंने लेफ्ट पैर का इस्तेमाल कहीं से कहीं तक नहीं किया, गाड़ी नॉर्मली रुक चुकी है, गाड़ी अभी भी ड्राइव मोड पर है। तो ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने का सबसे बड़ा फायदा यही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड अगर कोई समस्या आती है या आपको भी किसी अपने टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।